जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं मिन टीवी। आज दिन की कुछ बड़ी खबरें जिसको लेकर हम बात करेंगे। इन सभी खबरों को आप मूल निवासी नायक की वेबसाइट www.मूलनिवासीनायक.com इस पर पढ़ सकते हैं। जो तीन चार बड़ी खबरें हैं जिसको लेकर हम आज बात करेंगे, उसमें से पहली खबर, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके गृह राज्य गुजरात से हैं। खबर को इस प्रकार से मूल निवासी नायक के स्टाफ ने लिखा है, टाइटल ये है कि गुजरात मॉडल की फिर से निकली हवा, ऑक्सीजन बिना ज़मीन पर पड़े दिखे मरीज। और खबर को अगर डिटेल से हम जाने तो खबर इस प्रकार से है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार बयान दे रहे हैं कि राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो वो बंगाल को सोनार बांग्ला यानी स्वर्णिम पश्चिम बंगाल बनाएगी। कुछ इसी प्रकार के वादे जो है वो बिहार चुनाव के दौरान भी देखने को मिले। ये बीजेपी की तरफ से ये वादा किया जा रहा था, ये आश्वासन दिया जा रहा था बिहार के लोगों को, बिहार की जनता को, कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है यानी बीजेपी गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो कोरोना वैक्सीन जब आएगी तब वो मुफ्त में सभी बिहारवासियों को दिए जाएगी। लेकिन उसका क्या हुआ ये एक अलग बात है, वो भी एक जुमला साबित हुआ था। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से वादे किए जा रहे हैं क्या वो भी जुमले हैं, इसको हम देखेंगे। खबर को और डिटेल में जानते हैं। यही नहीं तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत भाजपा के सभी नेता पश्चिम बंगाल में यह संदेश दे रहे हैं कि ममता बनर्जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में राज्य के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन भाजपा के इस दावे की TMC ने एक बार फिर से हवा निकाल दी है। किस प्रकार से है ये अगले पैराग्राफ में लिखा है उन्होंने। खबर में लिखा है कि तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी किया गया है जो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य के भावनगर से है। इस वीडियो में भावनगर के सरकारी अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज जमीन पर पड़े हुए हैं और आसपास उनका लेने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरह से मरीजों का भगवान भरोसे इलाज चल रहा है, जैसे देश भी राम भरोसे चल रहा है या भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो भी राम भरोसे हो रही है। इसी प्रकार से मरीजों का इलाज जो है गुजरात में वो भगवान भरोसे हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश, ये गुजरात की एक पहली खबर थी। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से है। खबर को इस प्रकार से लिखा गया है, ये उत्तर प्रदेश, ये राज्य भी बीजेपी शासित है जहाँ पर बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी इस राज्य के, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। खबर इस प्रकार, खबर का टाइटल ये है कि यूपी स्वास्थ्य केंद्र की खुल गई पोल, कोरोना के नाम पर लगा दिया रेबीज का टीका, हालत गंभीर। एक महिला को ये टीका लगा दिया गया है, कोरोना वैक्सीन की जगह रेबीज का टीका लगा दिया। ये खबर उत्तर प्रदेश के शामली जिले से है। खबर को डिटेल में पढ़ते हैं। खबर में लिखा गया है कि कोरोना के कहर के बीच पूरे देश में वैक्सीनेशन अभियान काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन इसी बीच कुछ लापरवाही के भी मामले सामने आ रहे हैं जो काफ़ी हैरान करने वाले हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शामली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 वृद्ध महिलाओं को कोरोना के टीके की जगह रेबीज का टीका लगा दिया। रेबीज का टीका लगते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। जब परिवार को इस स्वास्थ्य केंद्र की इस हरकत के बारे में पता चला तो वहां पर उन्होंने हंगामा मचा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि जाँच करा कर इस पर कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ हम ये देखते हैं ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई बालकों की मृत्यु हो गई थी और जिन्होंने ये ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम किया, बच्चों की जान बचाने का काम किया, उन्हीं पर राष्ट्रद्रोह या उन्हीं पर NSA जैसा कानून लगाकर उनको सालों से जेल में रखा। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर कफिल खान की। तो वही उत्तर प्रदेश है। दूसरी खबर बिहार से है। बिहार में CA NRC के विरोध में जो देशव्यापी आंदोलन चला उसको लेकर ये खबर है। खबर का टाइटल इस प्रकार से लिखा गया है, बिहार में सच पढ़ाने का इनाम सजा है। खबर को अगर हम डिटेल में जानते हैं तो खबर में लिखा गया है, बिहार की राजधानी पटना के दानापुर कैंट स्थित एक स्कूल में संचालित ज्ञान विज्ञान रेनबो होम में छात्राओं को NRC और CAA कानून के बारे में सच पढ़ाने का इनाम स्कूल के खिलाफ केस दर्ज करके दिया गया है। ब्राह्मण बनिया मीडिया ने लिखा है कि स्कूल में संचालित ज्ञान विज्ञान रेनबो
होम में छात्रों को एनआरसी और सीएए कानून के खिलाफ जिस तरह से पढ़ाया जा रहा था उसे राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने देशद्रोह माना है। यानी सीएए के बारे में अगर आप चर्चा करते हो या एनआरसी के बारे में अगर लोगों को सच बताते हो, सच पढ़ाते हो, तो उसको प्रशासन ने इस प्रकार से लिया है कि ये देशद्रोह है। खबर को और डिटेल में पढ़ते हैं। खबरों के मुताबिक राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो इस स्कूल में निरीक्षण करने आए थे। इस दौरान उन्होंने संस्था में रखे कागजात को देखा तो वे अचंभित हो गए। इन कागजातों के जरिए स्कूल में नाबालिग को देश में बने कानूनों के खिलाफ ऐसे बताया जा रहा था जैसे कानून उनके खिलाफ है, उसके बाद कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। तो सीएए के विरोध में एक बड़ा माहौल देश में बना था, उसके विरोध में आंदोलन चले। अगर आपको याद होगा दिसंबर 2019 से यह आंदोलन शुरू हो गया दिल्ली में जिस प्रकार से शाहीन बाग बना, उसी शाहीन बाग की तर्ज पर देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग हिस्सों में शाहीन बाग बनने लगे। महिलाएं बहुत बड़े पैमाने पर रास्ते पर उतरी। केवल मुस्लिम लोगों ने नहीं बल्कि SC ST OBC ने इसके विरोध में आंदोलन किया। 29 जनवरी 2020 को इसके विरोध में बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से भारत बंद भी किया गया था। और सरकार अभी ये कह रही है कि जो भी इसके बारे में बोलेगा या जो भी इसके बारे में सच बताएगा उस पर ये मामला देशद्रोह का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बिहार से खबर है। बिहार में भी बीजेपी और जेडीयू की संयुक्त सरकार है, गठबंधन की सरकार है। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश से है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, इनकी तरफ से इनका एक वीडियो वायरल हुआ है, उसको लेकर ये खबर है। खबर का टाइटल इस प्रकार से बनाया गया है कि मेरे बारे में ऐसा सोचा तो पिछड़ी जातियों के बारे में क्या सोचते होंगे। अखिलेश यादव का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया में उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। खबर को अगर विस्तार से पढ़े तो खबर में लिखा है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। अखिलेश इस वीडियो में मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं कि ग्वाला कहा हमें, भैंस चराने वाला कहा, लेकिन आपकी हैसियत नहीं कि उनसे पूछ लो कि वे क्या चीज़ है। दूसरे पैराग्राफ में लिखा है, जिसके पिता मुख्यमंत्री रहे हो, मैं खुद मुख्यमंत्री था, उनका घर गंगा जल से धोगे तुम। अगर वे मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो तमाम पिछड़ी जातियों के बारे में क्या सोचते होंगे ये लोग। कभी सोचो ये बात, तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसता कुछ, तुम्हारे दिमाग में पैसा घुस गया है। अखिलेश यादव जी को ये पता है कि मीडिया उसके बारे में क्या सोचती है, जो शासक वर्ग है खासकर ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के जो लोग हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये उनको बखूबी पता है। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद जब बीजेपी की सरकार आई और मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ उस कुर्सी पर बैठे, उस आवास में प्रवेश करने से पहले उन्होंने उस पूरे आवास को, मुख्यमंत्री के आवास को, गंगा जल और पंचगव्य जिसे कहा जाता है, जिसमें गाय का गोमूत्र होता है, जो गोबर है वो होता है और जो दो चार प्रकार और मिलाकर पंचगव्य जिसे कहा जाता है उससे धोया गया था मुख्यमंत्री का पूरा आवास। यानी कहीं ना कहीं ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के जो लोग हैं वो ओबीसी को अभी भी पिछड़े अभी भी शूद्र मानते हैं। उनके धर्म ग्रंथों में ओबीसी जो है वही आज की तारीख में शूद्र है, यानी जो शूद्र है वही आज की तारीख में ओबीसी है। तो इसको लेकर ये कहा जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इनका ये वीडियो वायरल हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी उनको जब ये सारी बातें पता है कि उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके बारे में कहा जाता है या किस प्रकार का व्यवहार उनके साथ होता है, इसके बावजूद भी ब्राह्मणों को खुश करने का काम अखिलेश यादव पिछले साल से ही कर रहे हैं, जब से उत्तर प्रदेश में 2022 के लोकसभा चुनाव का माहौल बन रहा है, उसकी तैयारियाँ हो रही है, अलग अलग पार्टियाँ इस चुनाव की तैयारियां कर रही है, BSP की तरफ से भी ब्राह्मणों को खुश करने का प्रयास हो रहा है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हो रहा है कि परशुराम की बड़ी मूर्ति लगाने का जो काम है वो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ने किया है। तो कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि ब्राह्मण उनके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बावजूद भी उनकी मजबूरी है कि ब्राह्मणों को उनको साथ में लेना पड़ता है। अब ये मजबूरी है या उनको ये सच में इस बात की जानकारी नहीं है या एहसास नहीं है, ये एक अलग बात है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जो खासकर बीजेपी शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई थी। कोरोना महामारी का किस प्रकार से वहाँ पर हाल है, गुजरात मॉडल किस प्रकार से फेल हो गया है, उसकी हवा निकाल दी है,
टीएमसी ने। इसके अलावा यूपी में स्वास्थ्य केंद्रों की क्या हालत है। कोरोना टीके की बजाय उन्होंने 3 महिलाओं को रेबीज का टीका लगा दिया और उनकी हालत अभी गंभीर है। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी आज की दिन भर की। इन सभी खबरों को डिटेल से पढ़ने के लिए और विस्तार से पढ़ने के लिए आप मूल्यवासी नायक की वेबसाइट पर जाइए, www.मूल्यवासीनायक.com। इस वेबसाइट पर जाइए और इनके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों पर बनाई गई हैं। मूल्यवासी नायक जो कि बहुजन समाज के लिए लगातार पिछले कुछ सालों से काम कर रहा है, अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गया है, तो उसका बहुजन समाज के लोगों ने फ़ायदा लेना चाहिए और अपनी जानकारी में इजाफा करना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए MNTV। शुक्रिया।